Please subscribe my YouTube channel Gaurav Electrical and Electronics. Press icon bell for latest notification of my videos. तो गौरव इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोस्तों आज का टॉपिक है बैटरी की ग्रेविटी जो है किस तरह से हम चेक करते हैं। तो हमारे पास ये हाइड्रोमीटर है जिसके द्वारा हम बैटरी ग्रेविटी चेक करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ये है हमारा एसिड प्रूफ रबड़ बल्ब। एसिड प्रूफ रबड़ बल्ब जो हमारा ये है, ये कांच की नली होती है जिसमें हमारा इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है। और ये हमारा एक स्केल है, स्पेसिफिक ग्रेविटी स्केल जिसको बोलते हैं। इस पे जो है कुछ बैटरी की ग्रेविटी 1250 तक ही होनी चाहिए। जो सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है ये आप देख रहे हैं, ये 1300, उसके बाद है 1250, उसके बाद है 1200, उसके बाद है 1150, उसके बाद है 1100। तो हमारा जो बैटरी की ग्रेविटी होनी चाहिए वो 1250 तक होनी चाहिए, यानी कि ग्रीन पॉइंट तक ये होना चाहिए हमारा। तो चलिए दोस्तों चेक करते हैं बैटरी। हमारे पास ये बैटरी है, पॉजिटिव वाले सेल से ही हम सबसे पहले चेक करेंगे। हमने कुछ सैंपल लिया इलेक्ट्रोलाइट का, तो आप देख रहे हैं ये लेवल है ग्रीन, मतलब ठीक है, इतना ही होना चाहिए। नेक्स्ट भी सेम ही है ग्रीन। ग्रीन मीन्स होता है 1200 से 1250 तक होना चाहिए। तो नेक्स्ट सैंपल लेते हैं, इसमें भी सेम ही है। तो चलते हैं नेक्स्ट सेल की ओर। नेक्स्ट सेल में भी ग्रीन से थोड़ा ग्रीन ही है। नेक्स्ट सेल में चेक करते हैं, थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा ग्रीन से थोड़ा सा ऊपर है। ये भी ग्रीन है, सेम है पहले वाले सेल। बस्ट चलिए दोस्तों दूसरी बैटरी का भी ग्रेविटी चेक करते हैं। ये हमारे पास ट्रैक्टर की बैटरी है, 12 वोल्ट है। तो पॉजिटिव से वाले सेल से ही हम सैंपल निकालेंगे सबसे पहले। तो ये है दोस्तों ब्लू। ब्लू मतलब होता है जो 1150 से 1200 तक, तो इसकी ग्रेविटी थोड़ा सा कम है। नेक्स्ट सेल चेक करते हैं, नेक्स्ट भी सेम ही है, थोड़ा सा कम है। ये जो ब्लू देख रहे हैं आप, नेक्स्ट भी सेम। नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी सेम ही है। तो चलते हैं नेक्स्ट सेल की ओर, नेक्स्ट भी सेम ही है। नेक्स्ट भी सेम ही है। दोस्तों ये था आज का वीडियो, ग्रेविटी कैसे हम चेक करते हैं एक हाइड्रोमीटर से। दोस्तों अगर आपको भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से सीखना या पढ़ना पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल गौरव इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को। थैंक यू।